आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने किचन में अप्लाई करती हूँ और मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहती है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पे। बहुत सी तो आपको पता होंगी, बहुत सी आपको पता नहीं होंगी। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरी आवाज़ से मत जाइएगा, मुझे आवाज़ लग गई है। बस आप वीडियो इन्जॉय करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्ट्रेट जंप टू द वीडियो। टिप नंबर वन, जब भी हम बाज़ार से मिर्चें ख़रीद के लेकर आते हैं तो वो हल्की सी नम होती हैं, और पहले तो मैं इसको एज इट इज़ स्टोर कर देती थी। उसके बाद जब मैं यूज़ करती थी तो वो अंदर से पूरी ब्लैक हो जाती थी, फफूंद आ जाती थी, उनमें फंगस लगी रहती थी, पर वो किसी यूज़ की नहीं रहती थी। बट आफ्टरवर्ड्स मैंने ये ट्राई करा कि मिर्चें जब भी आती हैं तो मैं उसको स्टोर करने से पहले माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए दो बार घुमा लेती हूँ। और मिर्चों की एक वेटनेस पे भी रहता है कि कितनी गीली है। अगर वो ज़्यादा गीली होती है तो मैं उनको ज़्यादा ड्राई कर लेती हूँ। बस हमें इतना ही चलाना है माइक्रोवेव को कि वो हमारी मिर्चों के कलर को जला नहीं दे। अदरवाइज़ कई बार ये भी होता है कि हम इतना ज़्यादा उसको गर्म कर देते हैं कि वो पूरी ऊपर से ब्लैक हो जाती है, फिर जो भी हम करी या किसी भी चीज़ में हम यूज़ करते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ हमें मिर्चों की नमी को हटाना है। माइक्रोवेव में से जब आप निकालें उसके बाद आप उसको 5 मिनट्स एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा बाहर, ताकि वो जो है उसकी जो हीटनेस है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आप उसको कंटेनर में रखिएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज, एक एक साल दो दो साल मिर्चें चलती हैं। धूप हो तो धूप में कर लीजिए, अदरवाइज़ मैंने तो धूप में करना बंद कर दिया। मैं इसी तरह माइक्रोवेव में करती हूँ, बट सबके यहाँ माइक्रोवेव नहीं होता। तो ये प्रोसेस आप धूप में भी करिए, लेकिन माइक्रोवेव में बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाता है। और फिर आप इसको बढ़िया साल भर भी यूज़ करेंगे तो आपकी मिर्चों में एक में भी फंगस नहीं आएगी। तो ये थी मेरी पहली टिप। टिप नंबर टू, ये टिप तो आप लोगों को सबको पता होगी। जब भी मैं रोटी बनाती थी तो मैं ना पहले कपड़े पे उसको उतार देती थी या प्लेट पे उतार देती थी, बट इतनी ज़्यादा वो नीचे से गीली हो जाती है गर्म होने की वजह से कि वो जो है नीचे से भप जाती रोटी। तो मैंने इस तरह की नेट ख़रीदी थी, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, और देखिए देखने में भी कितनी प्यारी लगती है, ब्यूटीफुल सी लगती है। तो इस तरह अगर हम डायरेक्टली नेट के ऊपर रोटी को रखेंगे गर्म तवे पे से उतार के, तो हमारी रोटी की कंडीशन ये नहीं होगी। ये देखिए पूरी नम हो गई है, और खाने में भी फिर वो स्वैगी स्वैगी लगती है। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी इस तरह की कोई जाली परचेस कर लें और इसको एज इट इज़ फिर नेट पे रखें। अंडे होने पे आप उसे रोटी के डिब्बे में शिफ्ट कर दें। टिप नंबर थ्री, जब भी हम रोटी बना के हटते हैं, अगर हम उसके नीचे कुछ बिछाते नहीं हैं, डायरेक्ट चकोटी रखते हैं या फिर हम डायरेक्ट स्लैब पे बेलते हैं, तो जब चकोटी हटाते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आसपास पूरी खुश्की रह जाती है। और फिर हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम जो हमारे पास कपड़ा होता है साफ़ी का, उसी से वो पोंछना स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कपड़े में आटा चिपक जाता है, फिर हमें कपड़े को भी धोना पड़ता है, और फिर कपड़े में भी गंदी सी स्टिकनेस आ जाती है। तो उससे ओवरकम करने के लिए यहाँ मैं लेकर आई थी ये ब्रश, और ये काफ़ी टाइम पुराना हो गया है, लेकिन ये इतना यूज़ेबल ब्रश है कि कुछ नहीं करना। आपको कपड़ा गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे कपड़े को वाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट बस आप ये ब्रश लें और ये डस्ट प्लेट लें, छोटी सी इसके साथ रहती है, पूरी की पूरी आपकी जो भी खुश्की गिरी हुई है गैस पे, स्लैब पे, सब जगह से आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें पूरी तरह। ये देखिए आप डस्ट प्लेट में अच्छे से ये आ जाती है। और फिर इसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ आटा रहता है, ये डस्ट प्लेट वाला आटा, इसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन निकाल के रखा है जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। इस तरह की मैंने एक कटोरी ले लेती हूँ और उसमें ये खुश्की डाल देती हूँ। जब ये कटोरी फुल हो जाती है तो मैं इसमें एक छोटी सी रोटी बना के, और या तो बकरी के लिए या फिर गाय के लिए, ये रोटी रेडी कर देती हूँ। सवाब का सवाब मिल जाता है, और बस हमारा आटा भी यूज़ में आ जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो वो तो कपड़े में चिपक के वो नाली में बह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। टिप नंबर फोर जो है वो एक सेटअप है जो मैंने अपने बर्तनों के लिए करके रखा है। यहाँ पे जब भी हम बर्तन धोते हैं तो हम या तो डायरेक्ट रैक में जमा देते हैं या कबर्ड में रख देते हैं, जिससे कि हर चीज़ गीली हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक टब ले के रखा है और उसके ऊपर ये जाली वाली बास्केट लेके रखी है कि जब भी आप पूरे बर्तन धो तो इस बास्केट में फुल कर दो। इसमें जो होल्स है उसमें से पानी ड्रेन होता रहेगा, और आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद जब आप अपने बर्तनों को जमाओगे तो आपके कबर्ड्स पूरी तरह से सेफ़ रहेंगे।
एंड जो लास्ट टिप है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल टिप है, जिन भी लेडीज़ की प्यास से फ्रेंडशिप नहीं है, जिनको प्यास काटने पे आंसू आते हैं, उनके लिए तो ये वरदान टिप है। आपको प्यास काटने से पहले सिर्फ प्याज को फ्रीज़र में रख देना है आधे घंटे के लिए, जिससे कि क्या होता है उसके सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और आधे घंटे बाद जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है 2000 years later कि जब आप फ्रीज़र में से प्याज को निकालते हैं और उसे कट करना स्टार्ट करते हैं, तो सेल के श्रिंक होने की वजह से वो आंसू नहीं देते और इजीली आप प्याज को काट सकते हैं, जल्दी काट सकते हैं, और प्याज के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। जिस तरह से हम रेगुलर काटते हैं उसी तरह से कटता है, उसी स्पीड में कटता है, फ़र्क ये आता है कि आपके आंसू नहीं आते। तो है ना इजी टिप। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की टिप्स लगी मेरी, ताकि मैं आगे आपके साथ और टिप्स शेयर कर सकूं। और अब मैं किचन का मेकओवर करने वाली हूं, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी पे डालूंगी। अगर कुछ आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।